जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड अंतर्गत आसपुर महाराणा प्रताप सर्कल के पास खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त यहां पर चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों का एक जत्था यहां से रवाना होने वाला है। ये यात्रा एक विशेष यात्रा होने वाली है और ये यात्रा विशेष क्यों होने वाली है इस संबंध में आपको बता दें कि जो आप देख रहे हैं एक बस यहाँ पर खड़ी है। इस बस में लगभग 46 यात्री होंगे और 46 यात्री जो यात्रा कर रहे हैं वो बस से करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है स्पेशल यात्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पद यात्रा गुरु महंत देवी सिंह चौहान मौजूद है जो कि इस यात्रा को पैदल कर चुके हैं और सभी यात्री उनके साथ में यहाँ पर यात्रा करने वाले हैं। तो एक मुलाकात उनसे भी करते हैं और साथ ही यहाँ पे जो ये यात्रा करवा रहे हैं जो बस लेकर चलेंगे उनसे भी हम जानेंगे उनके साथ कितने यात्री हैं और क्या क्या उनकी व्यवस्थाएँ रहेगी और क्या विशेष रहेगा। तो आइए हम एक मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी यात्री मौजूद हैं और पदयात्रा गुरु महंत देवी सिंह जी चौहान यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे मुलाकात करते हैं। वो पदयात्रा यहाँ जो ये जितने भी यात्री आप देख रहे हैं सभी यात्री बस से जाएंगे लेकिन वो पैदल यात्रा कर चुके हैं तो उनका क्या अनुभव है और उनके साथ में जो यात्री जाएंगे उनका क्या विशेष रहेगा। जैसा कि ये जो यात्रा अभी आप कर रहे हैं चारों धाम की यात्रा है और ये चारों धाम की यात्रा आप पहले पैदल कर चुके हैं तो कोई ऐसा अनुभव बताएं जो आपके साथ में यात्री हैं उनको भी उस अनुभव के बारे में थोड़ा बताएं और जिस तरह से यात्रा होने वाली है बताएं थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सन 2016 में मैं उत्तराखंड की संपूर्ण पैदल यात्रा करके आया हुआ हूं। वहां विशेष ज़्यादा डर वाली बात नहीं है लेकिन हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ कि सबसे जटिल कठिन इलाका है। वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है और दरें और पहाड़ हैं। डरने की कोई बात नहीं है वो सब सांवरिया बेड़ा पार लगाता है। और इसके पहले मैं जैसे कि जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी बैठ द्वारका वगैरह की कई यात्राएं कर चुका हूँ। सांवरिया की कृपा है हिम्मत नहीं हारना है हर समय अपने यात्रियों के साथ रहना है और कई यात्रियों से मतलब दूर नहीं रहना है नहीं तो आप भटक जाएंगे। और भाईचारा बनाए रखना है। मैं सांवरिया से प्रार्थना करता हूँ हम सब की इच्छा है कि हिंदुस्तान में भाईचारा गोरक्षा और सर्वधर्म सनातन धर्म की मतलब है तो रक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे यही कामना है। और अब मेरा शुभ आशीर्वाद सबको सांवरिया सबकी यात्रा सफल करे इसी कामना के साथ देवी पदयात्रा गुरु महंत देवी सिंह चौहान बनकुड़ा ओडा। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही ये यात्रा विशेष होने वाली है और सभी यात्री इस यात्रा को सकुशल करेंगे ऐसी शुभकामनाएं। साथ ही यहाँ पर इस यात्रा को जो प्रायोजित कर रहे हैं गौतम सिंह जी जी बताएं सर आपका स्वागत है सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर। इस वक्त आपके साथ कितने यात्री हैं। इधर चार धाम नेपाल के हैं 44 यात्री हैं। प्रोग्राम है चार धाम नेपाल का प्रोग्राम है 27 दिन का हरिद्वार नेपाल। कहाँ कहाँ की यात्रा रहेगी थोड़ा इसके बारे में। इसमें यहाँ से इडाना माता जी जयपुर मोटे मोटे तौर पर बताएं। मोटे तो गोकुल मथुरा वृंदावन चित्रकूट काशी विश्वनाथ बनारस अयोध्या गोरखपुर नेपाल काठमांडू हरिद्वार हरिद्वार से यमुनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ केदारनाथ चारों धाम हिमालय चारों धाम है और वहाँ से पुष्कर होकर रिटर्न होगी जी 12 मई को। कब वापस कब लौटेंगे। 12 मई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 12 मई को ये यात्रा वापस लौटने वाली है। हम सभी यात्रियों को शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं कि यात्रा उनकी सकुशल हो और सकुशल वापस लौटें। इसी के साथ मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन ऋषिराज चौहान के साथ जितेंद्र सिंह चौहान धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।